फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक रेसिपी सिखाने वाली हूँ। हाँ, आज के वीडियो में मैं आपको एक नई रेसिपी सिखाने वाली हूँ। मेरी फर्स्ट रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने तो उसके सामान ऑलरेडी रेडी रखे थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको चाहिए चॉकलेट सिरप। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप नहीं है तो आप चॉकलेट को मेल्ट करके भी ले सकते हो। मेरे चॉकलेट सिरप था तो मैंने ले लिया। नेक्स्ट आपको चाहिए एक बाउल। नेक्स्ट आपको चाहिए एक चम्मच, ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट आपको चाहिए स्ट्रॉबेरीज और टूथपिक। अभी मैंने टूथपिक रेडी नहीं की है, मैं बाद में कर लूँगी। तो आप पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है बाउल, और बाउल के अंदर आपको डालना है चॉकलेट मिल्क। चॉकलेट मिल्क क्या, चॉकलेट सीरप, भूल जाती हूँ मैं बार बार इसका नाम। आज अंदर तो ये आ ही नहीं रहा है क्योंकि मैंने फ्रिज से निकाला है, फ्रिज से निकाला इसलिए अभी ये नहीं आ रहा है। आज आगे आकर आगे देख सकते हो, एकदम टेस्टी लग रहा है। और ये रेसिपी आपको ऑफकोर्स ट्राई करनी है क्योंकि एकदम यम्मी लगता है यार। आपको थोड़ी थोड़ी हिंट तो मैंने दे दी है, तुमको पता तो चल ही गया होगा कि मैं स्ट्रॉबेरी और टूथपिक चम्मच और इन सबसे क्या करने वाली हूँ। तो गाइस मैं बोल दूँ तो चम्मच का कोई काम नहीं था, मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए, या फिर पता नहीं था या नहीं था। हाँ था, सॉरी मैं भूल जाती हूँ। गाइस अभी मैंने जल्दी जल्दी, बहुत टाइम लगाता है, तो जब भी हो जाता तभी मैं आपको मिलती हूँ। आजा आजा जल्दी आजा। गाइस देखो मैं इसको डांस करा रही हूँ, सॉन्ग आ रही हूँ, इसलिए वो जल्दी जल्दी आ रहा है। इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। तो गाइस बहुत सारा आ गया है, बंद हो जा बस। एंड नेक्स्ट अभी मैंने ली है स्ट्रॉबेरी, और अभी टूथपिक लेके आती हूँ मैं। गिली गिली मंतर छू, मैं आ गई हूँ। ऐसे गिली गिली मंतर छूने का कोई नहीं था फिर भी। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक स्ट्रॉबेरी, उसका जो ऊपर का ये ग्रीन पार्ट होता है मैं उसको निकाल रही हूँ ऐसे। पहले मैं एक स्ट्रॉबेरी ट्राई करूँगी, उसके बाद मैं आके ट्राई करूँगी। तो अभी मैं स्ट्रॉबेरी को इसके अंदर मिलाऊँगी। तो हट जा, ये देखो एकदम मस्त चॉकलेट आवाज जैसे लग रहा है। एंड नेक्स्ट मैंने इसको इसके अंदर मिक्स किया, यानी कि इसके अंदर रखा, और फिर मैंने इसको उठा के उल्टा किया और इसको फुल चॉकलेट ही कर दिया। ओ माय गॉड गाइस, इट्स रियली लुकिंग सो अमेजिंग। चम्मच से एकदम मस्त हो रहा है गाइस, रियली बहुत ही अमेजिंग। तो गाइस ये ना थोड़ा सा अजीब हो रहा था, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और चॉकलेट सिरप इसके ऊपर ऐड कर दूँ। ये ठंडा होता है ना तो आता ही नहीं है। ओ एम जी गाइस, लुकिंग रियली यम्मी गाइस, मैंने कर दिया। एंड जस्ट मैंने वापस चम्मच ले ली एंड इसको इसके अंदर पूरे अच्छे से मिक्स कर दिया। ठीक है, तो मैंने इसको मिक्स कर दिया और आपको बता देती हूँ कि कैसा लग रहा है। गाइस अब देख सकते हो एकदम अमेजिंग लग रहा है। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, टूथपिक। अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, स्टिक जैसे, और इसको मैंने स्ट्रॉबेरी पे ऐसे किया एंड कोई हो नहीं रहा। हाँ हाँ हो गया। एंड अब देख सकते हो आपकी होममेड स्ट्रॉबेरी विद चॉकलेट रेसिपी रेडी है। एंड अभी मैं इसको खा के आपको बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। एकदम मस्त चॉकलेटी फ्लेवर आ रहा है, ऊपर से स्ट्रॉबेरी का भी आ रहा है। तो आपकी मम्मा आपको हेल्दी फ्रूट्स खाने को तो बोलती है, तो फ्रूट्स और चॉकलेट मिक्स करके खा लो ना, यम्मी लगता है। आज की रेसिपी और आज का वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी जाके मुझे कमेंट सेक्शन में बता लो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय। अगर आपको और ही ऐसे ऐसे रेसिपीज, शॉर्ट्स, डांस और भी अमेजिंग से चैलेंजेस, स्टोरीज, मोरल स्टोरीज सब कुछ देखना, तो जल्दी जाके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको मेरे ज़्यादा से कलेक्शन देखना ना,
तो भी ये सब तीन काम करने पड़ेंगे। पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। अगर कमेंट्स बॉक्स बंद है तो जल्दी जाके शेयर कर दो। बाय।